एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचे द्वारका। उन्होंने द्वारपाल से कहा, द्वारकाधीश को कह दो ब्रह्मा जी उनसे मिलना चाहते। द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण को कह दिया, एक व्यक्ति आए हैं, सफेद दाढ़ी है और विभिन्न सिर हैं, और कह रहे हैं आपके दर्शन चाहते हैं। उन अपना नाम ब्रह्मा बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा हैं। द्वारपाल ने कहा वो जानना चाह रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हो। अब कौन से ब्रह्मा मतलब न ब्रह्मा वन, ब्रह्मा टू, ब्रह्मा थ्री, ब्रह्मा फोर इत्यादि। ब्रह्मा जी को सुन के आश्चर्य हुआ, भाई ये कैसा प्रश्न। खैर उन्होंने कहा अरे बता दो कि सनकादिक परमहंस के पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा। द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से कह दिया। श्री कृष्ण ने कहा उनको अंदर बुलाओ। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने श्री कृष्ण को नमन किया और प्रथम प्रश्न यही किया कि भगवान आपके इस प्रश्न का क्या अभिप्राय था, कौन से ब्रह्मा, क्या मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा ब्रह्मा भी है क्या। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वह अपनी योग माया शक्ति से अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्माओं को वहां बुलाने लग गए। अब वो सब के सब ब्रह्मा आकर श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। तो एक ब्रह्मा जी ने देखा एक ब्रह्मा है, उनके 10 सिर। उन्होंने कहा इनका ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा होगा, मेरे 4 सिर। अब जितना बड़ा प्रांत होता है ना हमारे देश में, उतनी बड़ी कैबिनेट होती है उस प्रांत की, तो ऐसे ही जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने अधिक ब्रह्मा जी के सिर। तो ये 10 सिर वाले ब्रह्मा का ब्रह्मांड तो 2.5 गुना साइज का होगा। लेकिन इतने में एक ब्रह्मा जी आ रहे थे दिन के 100 सिर, अब इनका ब्रह्मांड कितना हो। और इतने में और ब्रह्मा आ रहे थे जिनके 1000 सिर थे, उनका ब्रह्मांड कितना हो। और ऐसे ब्रह्मा जी भी आए जिनके 10,000 सिर थे, अब उनके ब्रह्मांड की क्या गिनती करें। और ऐसे भी ब्रह्मा पहुंचे जिनके 1,00,000 सिर थे, किंतु उनके साथ और ब्रह्मा आए जिनके 10,00,000 सिर थे। ऐसे ब्रह्मा पहुंच रहे थे जिनके 1,00,00,000 सिर थे, और 10,00,00,000 सिर वाले ब्रह्मा भी आए। लेकिन जब उन्होंने देखा 1,00,00,000 सिर वाले ब्रह्मा पहुंचे, तो देखी चतुर्मुखी ब्रह्मा हिलो चमत्कार कृष्णे चरणे आसी करिलो नमस्कार। ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बंगाली में कथा सुनाई। वो ब्रह्मा जी विह्वल होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिरे। तो श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी ये जो आपका ब्रह्मांड है ये तो सबसे छोटा, इसके समान अनंत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में एक शंकर, एक ब्रह्मा, एक विष्णु। तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा शंकर विष्णु। जैसे हमारे देश में इतने सारे प्रांत, अब हर प्रांत में एक गवर्नर, एक चीफ मिनिस्टर, एक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इत्यादि। तो ये सब भगवान से उत्पन्न है। तुम ब्रह्मा जी स्वीकार किए कि भगवान की महिमा अनंतानंत। इसलिए जहां जहां भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मन दृशी त्राता। तो वो भगवान इतना महान तो है, लेकिन इतने में बात खत्म नहीं होती। वो भगवान हमारा आध्यात्मिक पिता। तो पिता है तो हम उसकी संतान है।
जो संतान होती है ना, बाप की प्रॉपर्टी के का उत्तराधिकारी होती है। तो भगवान की जो प्रॉपर्टी है, हम सब उनके बच्चे, ये हमारा दाय भाग है। पिता की प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है, हमारे पिता भगवान उनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है, तो वो सब हमारा दाय भाग है। लेकिन हम उस सब से वंचित क्यों हैं? ये गड़बड़ कैसे हो गई? भगवान का ऐसा वैभव और हम उसके बच्चे, हमारी ये दुर्दशा, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आनंद के लिए भूखे हैं, प्रेम के लिए भिक्षा मांगते हैं, ज्ञान के लिए लालायित हैं। ये भगवान हमारे पिता अगर ऐसे वैभवशाली हैं, तो हम भगवान की संतान, हमारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? गड़बड़ी। भगवान का एक नियम है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फलु चाखा। ये भगवान इस विधान के अनुसार इस संसार को चलाते हैं। अब अगर इस नियम को तोड़ देंगे, तो फिर भगवान के एडमिनिस्ट्रेशन की आधारशिला ही गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो भगवान के यहां भी घूस प्रारंभ हो जाएगी। भगवान, मैंने ये खराब कर्म किया, लेकिन आपको सवा से लड्डू का भोग चढ़ा दूंगा, तो आप उसको स्वीकार कर लेना। हम लोग ये तो जोकरी करते हैं ना, हे हनुमान जी, यदि मेरा बेटा ठीक हो गया तो आपको सवा से लड्डू का भोग चढ़ाऊंगा। आप हनुमान जी को समझते क्या हो? आप हनुमान जी को घूस देना चाह रहे हो? अरे भाई, भगवान का नियम है, कर्म प्रधान विश्व करी राख, जो करोगे सो भरोगे। अब इसमें ये सब तो नहीं चलेगा, और फिर वहां पर भी अगर ठीक हो गया तो चढ़ा दूंगा, अभी चढ़ाओ ना। नहीं नहीं, बाय चांस ठीक नहीं हुआ तो फिर वह हमारे सवा से लड्डू का लॉस हो जाएगा। अरे, संसार में भी आप घूस देते हो तो बोलते हो आधा भी आधा काम होने के बाद भगवान के ऊपर उतना भी विश्वास नहीं। तो समझे रहे कि कर्म के विधान को भगवान काटते नहीं है। हम लोग जो कहते हैं भगवान सब कुछ करता है, इसको बारीकी से समझना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ करता है, नियम के अनुसार सब कुछ करता, नियम के विपरीत भगवान भी नहीं करता है। अगर करेगा तो लोगों का विश्वास ही भगवान से हट जाएगा कि साहब फिर तो अन्याय है, भगवान के यहाँ अंधेर है। ये अंधेर नहीं होता है, भगवान के अकाट्य नियम है। देखिए दशरथ जी महाराज, उनका देहांत हुआ, कौशल्या विधवा हो गई। भगवान उनके बेटे हैं और विधवा हो गई है। अब कौशल्या डिमांड कर सकती है ना, आप तो सर्वसमर्थ हो, मेरे पति देव को जिंदा कर दो। भगवान कहते ये सब नहीं चलेगा, ये निश्चय कोर्ट में होगा। जिसका जैसा हिसाब किताब है, उसके वैसा ही फल मिलेगा। ये घरेलू मामला नहीं है कि जज साहब बेटे बन गए तो रियायत हो जाए। इसलिए भगवान राम ने नहीं बचाया, वो रो रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, शोक दिवस मना रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं नहीं, घपड़ शपड़ नहीं होगा। तो इसीलिए अपने कर्म विधान को भगवान भी नहीं तोड़ते हैं, तो हम कैसी आशा करें कि साहब हम थोड़ा सा लड्डू भगवान को चढ़ा के प्लस माइनस करा देंगे?
और अगर भगवान कभी कुछ देंगे उसके लिए भी नियम होगा। जैसे नियम के अपवाद के लिए भी नियम होता है ना, एक नियम एक उसका अपवाद। अगर सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड दे दे तो अब सुप्रीम कोर्ट से आगे कुछ नहीं, लेकिन नियम कहता है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जा सकता है मर्सी के लिए। लेकिन वो राष्ट्रपति मर्सी यानी कृपा करेगा उसके लिए भी नियम है, अगर ऐसा 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 बनाव बन गया तो कृपा हो जाएगी। इसी प्रकार से भगवान का जो कर्म का विधान है, अगर भगवान उसको तोड़ के कुछ देगा उसके लिए भी नियम है। वो तब देगा जब हमारी शरणागति होगी, जब हमारे मन का लगाव भगवान में होगा। संसार में भी आप अजनबी से थोड़ी बोलेंगे। मान लो कोई अजनबी है मार्केट में, आप रुकिए, कहिए क्या बात, मुझे 10,000 की आवश्यकता है, जरा दे दो। अरे पागल आदमी, भागो यहां से, पता नहीं क्या है। कोई संबंध नहीं है, कोई परिचय नहीं है, किस आधार पे मांग रहे हैं। और अगर उसका परिचित होता, अरे हॉस्पिटल में है, इसको आवश्यकता है, यहाँ पे 1,00,000 दे दो, वो परिचित है ना। तो संसार में भी अगर किसी से मांगते हैं संबंध के आधार पर मांगते। मान लो कि आप रिज रोड पर चल रहे हैं, एक गाड़ी आ रही, अपने कहा गाड़ी रोको, कहिए क्या बात, जी मुझे एयरपोर्ट जाना है, चल ले चलो। ड्राइवर सोचता है ये पागल है, वो खिड़की ऊपर करके एक्सेलरेटर दबा के और भागता है वहां से। लेकिन आगे जाके उसको अपना परिचित मिला, अब वहां पे उसने ब्रेक लगा दी, अरे महेश भाई आइए गाड़ी में बैठो। महेश भाई कहते हैं, अरे भाई गोविंद भाई, मैं तो थोड़ा वॉकिंग कर रहा हूं। अरे गाड़ी में वॉक करो। गाड़ी में क्या वॉक करेंगे, एक्सरसाइज कर रहा हूं, गाड़ी में एक्सरसाइज करो। उसको मजबूर कर रहा है कि उसकी गाड़ी में बैठे, क्योंकि परिचित। और वहां पर उस आदमी को आवश्यकता थी, उसकी इंटरनेशनल फ्लाइट छूट रही थी, और कहता है ये पागल है, क्योंकि संबंध नहीं। तो संसार में भी तो हम संबंध के आधार पर मांगते हैं ना। अब हमने भगवान से क्या संबंध जोड़ा, भगवान से हमारा कितना प्रेम है, किस आधार पर हम मांग रहे हैं। आप सोचें, एक दिन में आप कितने घंटे भगवान का चिंतन करते हैं, आउट हो जाएगा। क्या आप 5% टाइम भी करते हैं, तो कितना हमारा प्रेम है। अधिकांश लोग तो 1% टाइम भी नहीं करते। तो अगर भगवान कुछ देगा उसका भी नियम होगा। अब मान लो कि कोई कहे कि नहीं साहब, हमारा तो संबंध जुड़ गया, हम जब मांगते तो भगवान जरूर देता। हो सकता है, मना नहीं करते, आपका ऐसा हिसाब बैठ गया। लेकिन अगर ऐसा बैठ गया है तो फिर आप भगवान से ये संसार क्या मांग रहे हैं, फिर आप उनसे ईश्वर प्रेम क्यों नहीं मांगते। अगर आप कहें भी हम तो हनुमान जी से जो मांगते हैं वो दे देते हैं, तो फिर आप हनुमान जी से ईश्वर प्रेम मांगिए, संसार क्या मांग रहे हैं। या वो चीज मांगिए जो प्रहलाद ने मांगी थी। प्रहलाद के सामने भगवान प्रकट हुए, नृसिंह भगवान। तो भगवान ने कहा, वरम वृणीष्वाभिमतम काम पूर्वोऽस्म्यहं नृणां वत्स, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद ने कहा, महाराज मैं सही सुन रहा हूं, हाँ हाँ मांगो। प्रहलाद ने कहा, महाराज मैं आपका सेवक हूं। सेवक का काम है
सेवा करना, मांगना नहीं। अगर मैं मांगूंगा मैं सेवक नहीं हूंगा, मैं तो व्यापारी बन जाऊंगा। आप कह रहे हैं मांगो, मैं क्या मांगू? नृसिंह भगवान की बोलती बंद हो गई। लेकिन फिर प्रहलाद ने एक और प्रहार किया। प्रहलाद ने कहा, महाराज यदि आप आज्ञा दे रहे हैं मांगो, तो फिर मुझे मांगना पड़ेगा, क्योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब सेव। आपकी इच्छा है कि दास आपसे मांगे, तो दास का धर्म है स्वामी की आज्ञा को पूरा करना, तो महाराज ठीक है, फिर मैं जरूर मांगूंगा। तो प्रहलाद ने क्या मांगा? ये विचित्र बात, प्रहलाद ने इतिहास में भगवान से वरदान मांगने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रहलाद ने कहा, यदिराशीष मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ, कामानामृद्य संरोह भवतस्तु वृणे वरम। महाराज मैं आपसे ये मांगता हूं कि आपसे कभी कुछ न मांगू। इसको आप गहराई में सोचिए, प्रहलाद ने क्या मांगा? महाराज अगर मेरे अंदर किंचित भी स्वार्थ है, किंचित भी मांगने की बीमारी है, मैं ये मांगता हूं कि मेरी बीमारी को मिटा दीजिए। यानी अगर मेरी भक्ति सकाम है, तो कामना को मिटाइए महाराज, ताकि मैं फैक्ट में निष्काम बन जाऊं, अनंत काल तक कभी ये मांगने वाली बात आपके सामने आए ही नहीं। ये कितनी बढ़िया बात, प्रहलाद सोचिए कितनी बड़ी चीज मांग रहे हैं कि महाराज आप मेरे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, मुझे उस दिव्य भक्ति का अधिकारी बनाइए। भगवान ने कहा, प्रहलाद हम ब्लैंक चेक दे रहे हैं, और प्रहलाद ने कहा, महाराज इसको फाड़ के फेंक दीजिए। तो प्रहलाद ने कहा, महाराज अगर मांगूंगा इसमें खतरा ही खतरा है। अब ये कामनाओं का तो कोई अंत होगा नहीं, आज ये मांग रहे हैं, कल वो मांग रहे हैं, परसों वो मांग रहे हैं, वो आवश्यकता तो बनी ही रहेगी। कौन सा मनुष्य आवश्यकताओं से परे चला जाएगा? आज वो कहेगा, हे भगवान ये बड़ी समस्या आ गई है, मेरी ये एक इच्छा है, आप प्लीज़ इसको सुन लीजिए, इसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगा। अब भगवान क्यों सुने? जब वो शरणागत नहीं है, संबंध नहीं जोड़ा, भगवान क्यों सुने? लेकिन अपने ही प्रारब्ध पुरुषार्थ के अनुसार मान लो बात पूरी हो गई, तो कहेगा देखो भगवान ने सुन ली, मुरली वाला कितना दयालु। तो क्या होगा? श्रद्धा बढ़ जाएगी। लेकिन ये श्रद्धा की आधारशिला जो है वो गड़बड़ है। श्रद्धा की आधारशिला है भगवान मेरी इच्छा पूरी करे। तो अब भगवान नेक्स्ट टाइम इच्छा पूरी नहीं करेंगे, वो श्रद्धा टूट जाएगी, जैसे संसारी प्रेम में होता। संसारी प्रेम क्यों गड़बड़ हो जाता? ओ स्त्री ने पति की इच्छा पूरी नहीं की, पति ने स्त्री की इच्छा पूरी नहीं की, तो बड़ा से बड़ा लैला मजनू का प्रेम भी खत्म हो गया। ऐसे ही भक्ति में भी होगा, हाजी साहब गुरु जी ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया। अब दोबारा वो आवश्यकता पड़ी, फिर चले भगवान के पास, भगवान आपने उस दिन वो बात सुन ली थी ना, आज ये वाली बात सुन लो। अब मान लो अब की बार वो बात हमारे प्रारब्ध पुरुषार्थ अनुसार पूरी नहीं हुई, हम कहेंगे भगवान क्या करता है, कुछ नहीं करता है, घोर अंधकार है, सब बेकार है। वो श्रद्धा जो बढ़ी थी वो फिर से घट जाएगी।
इस प्रकार से हमारी भक्ति दिन में 10 बार बढ़ेगी, 10 बार घटेगी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए साधना में ये इम्पॉर्टेंट है कि हम निष्काम बने भगवान के प्रति।